सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं और वर्कशॉप की आप अपने घर से बैठ के डायबिटीज रिवर्सल की जो प्रोसेस है उसको खुद कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, कैसा डाइट प्लान हमें बनाना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने घर में शुरू कर सकते हैं। देखिए, जो डायबिटीज रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। रिसेंटली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है और इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है कि जब हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। तो अगर हम ये देखना चाहें कि लाइफ कैसे बदलती है, कौन है जो लाइफ बदलता है, कौन है जो दुनिया को बदलता है, तो वो जो बदलता है वो हमेशा इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होती है कुछ। तो जो इन्वेंशन है वो ह्यूमन लाइफ को ग्रो करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो इन्वेंशन क्या लेके आता है, इन्वेंशन, नई इन्वेंशन हमेशा एक नया प्रोडक्ट लेके आता है और वो जो नया प्रोडक्ट है वो लाइफ चेंज करता है। जैसे हम नए प्रोडक्ट की बात करें तो आजकल अगर हम देखें कौन सा नया प्रोडक्ट है जिसने लाइफ को चेंज किया, पूरी दुनिया की लाइफ को, वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने पूरी दुनिया को चेंज किया। और इंटरनेट के साथ दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है, वो है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन ने दुनिया को चेंज किया। अगर हम यहां से 100-125 साल पहले चले जाएं तो 1900 के आसपास ये फोर्ड मोटर शुरू हुई थी और उन्होंने गाड़ियां बनाई थी। तो जो हेनरी फोर्ड थे वो ऑटोमोबाइल के इन्वेंटर नहीं थे, उन्होंने मतलब गाड़ियों का आविष्कार नहीं किया, लेकिन वो पहले आदमी थे जिन्होंने बल्क मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया ताकि हर आदमी अफोर्ड कर सके। तो जो कार थी उस टाइम में, जो व्हीकल था, वो एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने लाइफ चेंज की। पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालना धरती से, वो एक इन्वेंशन थी, तो पेट्रोल वॉज द प्रोडक्ट। तो जब भी अगर आप दुनिया में कुछ देखेंगे कि कुछ बदल रहा है, कुछ ग्रो कर रहा है, तो वो बिना प्रोडक्ट के नहीं होता। और कितने प्रोडक्ट हैं, हम ये सब बातचीत करें, देखिए हम जूम पे मीटिंग करें, जूम इज अ प्रोडक्ट। हम लैपटॉप से, मोबाइल से कनेक्टेड हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट। हमने ये कपड़े पहने हैं, दिस इज अ प्रोडक्ट। ये चश्मा लगाया है, दिस इज अ प्रोडक्ट। तो हमारी जो लाइफ है वो प्रोडक्ट चेंज करते हैं और प्रोडक्ट आता है नई इनोवेशन से, नई इन्वेंशन से। तो जब भी कोई नई इन्वेंशन आती है तो हम क्या करते हैं, क्या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोगों को डिवाइड करें तो 3-4 टाइप के आदमी होते हैं इन्वेंशन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो। सबसे पहले लोग होते हैं जो इन्वेंटर होते हैं, जो इनोवेट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। एक वो कैटेगरी होती है, बहुत छोटा परसेंटेज होता है, 1-2% आदमी है जो इस इन्वेंशन की, इन्वेंटर की कैटेगरी में आते हैं। और फिर 10-15% लोग जो है वो बहुत ही अर्ली अडॉप्टर होते हैं। अच्छा, कुछ नई इन्वेंशन आई है, चलो यूज करके देखते हैं। जैसे नया इंटरनेट आया, ईमेल आया, चलो ईमेल पे अकाउंट बनाते हैं, भेज के देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे 10-15% होते हैं। फिर 30-35% लोग ऐसे होते हैं जो उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। तो मेजॉरिटी अडॉप्टर्स हैं जो अर्ली फटाफट आके उसको ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद लेट मेजॉरिटी होती है, फिर उसके बाद जो है पीछे रह जाने वाले कि जब सारी दुनिया कुछ कर लेगी तब हम करेंगे, लैगर्ड कहते हैं उनको अंग्रेजी। तो मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो आज सब इस वर्कशॉप में आए हैं, क्योंकि आप अर्ली अडॉप्टर्स हैं, आप इनोवेटर की कैटेगरी में। ये जो डायबिटीज रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत नया है,
तो आप सब अर्ली अडॉप्टर्स की कैटेगरी में है, क्योंकि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू को समझा और इसके फ्यूचर को समझा, और आप इससे जुड़े और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। तो आप जैसे लोग जो यहां मीटिंग में जो मौजूद हैं, ये लोग दुनिया बदलते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव है और इनोवेटिव है। और ये क्रिएटिव और इनोवेटिव जो माइंड सेट है, ये हमारे देश के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोग्रेस यहीं से आती है। जो भी प्रोग्रेस होती है वो कंपटीशन से नहीं होती, जो प्रोग्रेस है कंपटीशन से नहीं होती, प्रोग्रेस इनोवेशन से होती है, प्रोग्रेस कोलैबोरेशन से होती है। तो आज हम सब मिलके आज ये कुछ सीखना चाहते हैं कि डायबिटीज खुद कैसे रिवर्स कर सकते हैं घर में, तो ये हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। तो आज की जो हम क्लास कर रहे हैं, आज ये पहली क्लास है, इस महीने में ऐसी 4 क्लासेस होंगी, तो इस सैटरडे को, इससे अगले, उससे अगले, तो 4 जो क्लासेस हैं, उन सब क्लासेस में एक एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम सीखेंगे कि डायबिटीज कैसे रिवर्स करना है। तो आज हम सबसे पहली जो क्लास है उसमें हम सीख रहे हैं कि डाइट की प्लानिंग कैसे करें और क्या माइंडसेट होना चाहिए डाइट की प्लानिंग करते हुए, क्योंकि एक बार माइंडसेट क्लियर हो गया तो डाइट प्लानिंग इजी है, माइंडसेट क्लियर नहीं हुआ तो डाइट प्लानिंग ठीक से नहीं होगी। तो वो क्या माइंडसेट है उसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ धीरे धीरे एक एक स्लाइड में आपको शेयर करता हूं, वो स्लाइड शेयर करेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएगी। सो रिवर्टिस डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, और ये हम डू इट योर सेल्फ वर्कशॉप आज हम कर रहे हैं कि आप अपने आप घर पे कैसे डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम हम शुरू कर सकते हैं। आज हमारी पहली क्लास है इसके बारे में। ये कुछ डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि ये एजुकेशनल पर्पज से वर्कशॉप है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है वो सबका एक जैसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि एक एडवाइस हर किसी के लिए सुटेबल हो, कई बार कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी होते हैं। तो जो भी आप यहाँ सीख के जाना चाहते हैं उसको कैसे यूज करना है, ये आपके खुद की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वही लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, वही हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो चाहे टेलीफोन का एग्जाम्पल हो, चाहे मोटर गाड़ियों का एग्जाम्पल हो, चाहे इंटरनेट का एग्जाम्पल हो, तो वो लोग जो जल्दी से इन इन नए कॉन्सेप्ट को लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 95 के आसपास इंटरनेट आया, इंडिया में भी 96, 97, 98 के आसपास काफी इंटरनेट आ गया था, लेकिन क्या सब लोग इंटरनेट की तरफ दौड़ पड़े, क्या सब लोग उसमें घुस गए? नहीं घुसे, लोगों ने कहा पता नहीं ये क्या है, फालतू की चैटिंग वैटिंग होती थी उस टाइम पे, तो कौन चैटिंग वैटिंग करेगा, ये क्या है। लोगों ने उसमें कुछ लोग उसमें घुसे, उसमें अपना कैरियर बनाया और बहुत सारी वेल्थ भी क्रिएट की। तो डायबिटीज रिवर्सल के सेगमेंट में आप सब अर्ली अडॉप्टर्स हैं, क्योंकि आप इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का ओपन माइंड है, और ओपन माइंड होने के कारण जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा होती है। आप सोचिए कि जब टीवी नहीं होता था तो किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा डब्बा जैसा रखा रहेगा और उसमें लोग डांस कर रहे होंगे, गाना भी सुन रहे होंगे, तो कैसा अजीब सा लगता होगा। मतलब जब किसी ने आइडिया दिया होगा तो कैसा अजीब लगता होगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी वहां बॉम्बे में नाचेगा और दिल्ली में बैठ के एक डब्बे में देखेगा। इवन आप ये देखिए कि जो ये बुक्स हैं, जो ये बुक्स आप देख रहे हैं, ये सब किताबें, तो जब ये बुक्स पहली बार किसी ने छापी होगी, प्रिंटिंग का जब कॉन्सेप्ट आया, तो क्या भूचाल मचा होगा कि मतलब पहले आदमी हाथ से लिखता था, और दो कॉपी बनानी है तो दो हाथ से लिखनी है। और जब प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो एक बुक की 1,000 कॉपी, 10,000 कॉपी बना के आप बांट सकते हैं, तो नॉलेज का की जो रीच है वो कितनी इजी हो गई, इंटरनेट से नॉलेज की रीच कितनी इजी हो गई। आज कोई भी आदमी अपना यूट्यूब पे चैनल बना सकता है, पहले अगर कोई टेलीविजन चैनल बनाना चाहता तो करोड़ों रुपए लगते थे उसके, आज कुछ नहीं लगता, हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, चैनल बनाओ और चालू हो जाओ। तो ये जो इनोवेशन है ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, और इन इनोवेशन के साथ हमें जुड़ना चाहिए, और ये जो इनोवेशन है यही हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। तो आज हम इस डायबिटीज रिवर्सल के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अगर हम फूड की बात करें तो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन फूड का क्या होता है, तो दो टाइप के कंपोनेंट है,
मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। अब जब ये बॉडी में जाते हैं तो क्या होता है? तो जो हम फैट खाते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो ब्लड शुगर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। हम डायबिटीज के रिलेशन में डिस्कस कर रहे हैं, और आज थोड़ा शॉर्टकट में चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे काफी हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है, और डिटेल में जाके देखेंगे तो वहां पे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोटीन बॉडी में जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वो भी ब्लड शुगर पे कोई खास इंपैक्ट नहीं डालता। अब ये जो तीसरा मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये डायरेक्टली ब्लड शुगर को इंपैक्ट करता है। तो अब हम जनरल वे में क्या समझ सकते हैं कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसमें से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। तो कॉमन सेंस क्या है कि कार्बोहाइड्रेट कम होगा डाइट में तो ब्लड शुगर कम बढ़ेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में चला गया तो क्या होता है? तो हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और वो पेट से ब्लड में गया, और ब्लड से वो सेल के अंदर जाता है। और जो ये ब्लड से सेल के अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली नहीं जा पाता, इसको एक कैरियर चाहिए। तो एक कैरियर है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? ब्लड से चीनी की बोरी उठाता है, सेल के अंदर डाल देता है। ब्लड से चीनी की बोरी उठाता है, सेल के अंदर डाल देता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये ब्लड से सेल के अंदर डाल रहा है, और जो हमारी सेल है, सेल ग्लूकोज को अंदर ले लेती है, फिर उसको एज एनर्जी किसी और काम में यूज कर लेती है। लेकिन अब इतना ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है कि सेल कहती है भाई मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, मेरे पास जो मेरा कोटा है वो फुल हो गया। तो वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है, दरवाजा बंद कर देती है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। और जब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है तो हमारी जो पेनक्रियाज है वो और ज्यादा इंसुलिन बनाती है, ज्यादा इंसुलिन गुंडे पकड़ के लाती है, और वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के अंदर शुगर को डालना चाहते हैं। तो इधर दरवाजा भी जो है, जो हमारी सेल है, वो दरवाजे को और लोहे का लगा लेती है, ताला लगा देती है, जाली लगा देती है उसके अंदर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो सेल के अंदर नहीं जाता, ब्लड में घूमता रहता है। और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया। तो जो हाई ब्लड शुगर लेवल है, ये ग्लूकोज इनटॉलरेंस है, जिसको डायबिटीज का नाम दिया गया है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? ग्लूकोज इनटॉलरेंस, कि ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी में, वो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है। तो डायबिटीज मेरे ख्याल से तो नाम ही गलत है, इसका नाम ग्लूकोज इनटॉलरेंस होना चाहिए। तो ज्यादा ग्लूकोज आया तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, और कम ग्लूकोज आएगा तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। यहां तक हमारी समझ में आ गया। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ग्लूकोज, तो हमने देखा कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बढ़ा रहा है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंसुलिन भी बढ़ाता है। तो आप देखें कि कौन इंसुलिन ज्यादा बढ़ाता है, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंसुलिन बढ़ाता है, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाता है, और फैट एकदम नेग्लिजिबल सा इंपैक्ट है। तो इंसुलिन पे भी कार्बोहाइड्रेट का ही इंपैक्ट जाता है, ठीक है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, तो इसमें अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा? तो उसके लिए हमें ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कोई भी फूड कितना ज्यादा ग्लूकोज छोड़ेगा वो उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर होता है। तो ये ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट है, जो डायवेक्सी की वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो यहां तक हमने समझा कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, हमारी बॉडी में जाएगा और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा,
तो कौन सा फूड कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है ये उसकी ग्लाइसेमिक लोड से पता लग जाती है। तो ब्लड शुगर बढ़ाने की ताकत ग्लाइसेमिक लोड, जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा वो ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा। और जो ग्लाइसेमिक लोड है ये फूड की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मतलब 50 ग्राम खाया तो ग्लाइसेमिक लोड मान लो एक है दो है, 100 ग्राम खाया तो उसका 2 गुना हो गया, 200 ग्राम खाया तो उसका और ज्यादा उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्वांटिटी के हिसाब से ही मल्टीप्लाई होता रहता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना है ग्लाइसेमिक लोड का। और जो एक ग्लाइसेमिक लोड का जो चार्ट है ये आप डायबेक्सी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। डायबेक्सी की वेबसाइट जिन लोगों ने नहीं देखी है, जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक ये स्क्रीन शेयर करता हूँ कि जहां पे आप जाके देखेंगे तो ये हमारी डायबेक्सी की ये वेबसाइट है, ये कुछ ऐसे दिखाई देती है। और यहाँ पे ये सर्विसेज दिखा हुआ है, अगर आप डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी डॉक्टर से चाहते हैं, मेरे साथ कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो ये सब डायबिटीज से रिलेटेड जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो यहाँ पे मिलेंगे। ये टूल्स एंड चार्ट है, जैसे मैं ग्लाइसेमिक लोड की बात कर रहा था वो ग्लाइसेमिक लोड चार्ट यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी चीजें जैसे ग्लूको डाटा बुक है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ये ग्लूको डाटा बुक क्या होता है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर खरीदना चाहते हैं आप इंडिया में हैं तो इंडिया स्टोर से खरीदिए, अगर इंटरनेशनल बाहर से हैं कहीं इंडिया से तो इंटरनेशनल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये डायबेक्सी की वेबसाइट है, डायबेक्सी के सारे प्रोडक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये डायबेक्सी की प्रोडक्ट सारे यहाँ से मिल जाएंगे। ये मेरी बुक भी है, न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये जो डायबिटीज है ये कैसे होती है और कैसे इसको रिवर्स करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी डायबेक्सी की वेबसाइट है, यहाँ से आप ये सारे इस तरीके के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के ये देखते हैं कि ये डायबिटीज रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कनेक्टेड। तो पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया डायबिटीज रिवर्सल के लिए ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट, कि हम ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करेंगे, जो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो करके आप ये चीजें खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा था कि डायबिटीज क्या है, तो अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि डायबिटीज क्यों होती है, तो सबसे पहला आंसर होता है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। किससे होती है? इंसुलिन की कमी, लैक ऑफ इंसुलिन, उससे डायबिटीज होती है। तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, ये थोड़ा हिस्टोरिकल है। अब हम माइंडसेट, क्योंकि जैसे माइंडसेट चेंज होगा बाकी सारी चीजें चेंज होगी। 1950-60 के आसपास ये ग्लूकोज को नापने के मेथड जो है ये आ गए थे कि हम किसी भी चीज में शुगर है वो पता लगाएं तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो पहला मेथड आया वो आया यूरिन में ग्लूकोज को नापने का, कि यूरिन में कितना शुगर है उसको नापते थे। फिर धीरे धीरे 1900 के बाद जो मेथड आया 1910-12 के आसपास, वो ये मेथड आया कि हम ब्लड में शुगर को कैसे नाप सकते हैं, तो ब्लड में हम शुगर नापने लगे। फिर 1921 के आसपास जाके ये इंसुलिन की डिस्कवरी हुई, और जो डायबिटिक पेशेंट थे जिसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। तो हमने क्या माना कि इसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी थी, इस कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, इसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि इसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी थी। तो अब कोई भी चीज जो इंसुलिन बढ़ाएगी वो डायबिटीज का इलाज करेगी, ब्लड शुगर डाउन करेगी। तो ये थ्योरी 1921 में शुरू हो गई। लेकिन इंसुलिन हमारी बॉडी में कितना है ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि इंसुलिन को नापने का जो मेथड है वो 1975 के आसपास आया, 50 साल बाद। 50 साल के बाद हम इंसुलिन नापना शुरू कर पाए, और जब हमने इंसुलिन नापा तो पता चला ये तो कम है ही नहीं, ये तो हमारा उल्लू बन गया। 50 साल पहले हमें बताया था कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, और 50 साल बाद जब हमने देखा तो हमें पता चला ये तो इंसुलिन कम है ही नहीं। तो फिर हमें समझाया गया, हमें दिलासा दिया गया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहते, एक काम करते डायबिटीज दो टाइप की बना देते हैं,
एक टाइप कर देते हैं जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, उसको टाइप वन कह देते हैं, और एक दूसरा टाइप बना देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि इंसुलिन है तो, पर इंसुलिन की कमी नहीं है, पर वो इंसुलिन काम भी नहीं कर रहा है, ऐसे गोलमोल सा कुछ जवाब दिया कि इंसुलिन है पर काम नहीं कर रहा, वो भी डायबिटीज हो गया। तो लेकिन अब लोगों के दिमाग में खटकने लगा, बोले नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है ये कॉन्सेप्ट में, जो साइंटिस्ट है वो इन सब कॉन्सेप्ट को समझता है। तो उसने कहा नहीं यार ये कुछ बात जम नहीं रही, एक टाइप की और दो टाइप की डायबिटीज बना दी, बात बन नहीं रही, एक काम करते कुछ और इस पर रिसर्च करते। तो साइंटिस्ट और रिसर्च करने लगे। तो 1990 में एक साइंटिस्ट डॉक्टर जिराल्ड रिवन थे, वो आए निकल के, और उन्होंने कहा कि भैया जो ये इंसुलिन की जो कमी नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं वो दरवाजा बंद हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट 1990 में निकल के आया। और 1990 में ये प्रूव हो गया कि भैया एक्सेस ऑफ इंसुलिन इज कॉजिंग डायबिटीज, नॉट लैक ऑफ इंसुलिन। अब जब ये समझ में आया कि यार एक्सेस ऑफ इंसुलिन इज कॉजिंग डायबिटीज, तो अब कॉन्सेप्ट बदल गया कि जब इंसुलिन की कमी है ही नहीं तो ऐसी दवाइयां क्यों दे जो इंसुलिन बढ़ा रही हैं। और वहां से माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज हो सकती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकती है, तो डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है। यहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, और वहां से साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया। तो 1990 के बाद इसमें काम होना शुरू हो गया था, और सन 2000 के बाद बड़ी तेजी से चला, और 2010 के बाद तो लाइन लग गई। तो ये सब काम हुआ बाहर की कंट्रीज में, और हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे 2010 के बाद में लोग बातें करने लगे कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, लोगों ने बातचीत करना शुरू किया, उस पर कुछ लोगों ने प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, और इस तरीके से डायबेक्सी की जो जर्नी है वो 2020 के आसपास शुरू हुई। हमारी जर्नी 2020 में जब हमने डायबेक्सी के प्रोडक्ट लॉन्च किए, डायबेक्सी का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया गया, और वहां से डायबिटीज रिवर्सल की जो जानकारी है वो घर घर हिंदुस्तान में पहुंचने लगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले 20-25 साल में हर किसी को डायबिटीज के बारे में पता होगा, और फिर किसी को डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है डायबिटीज की नॉलेज। तो जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतनी डायबिटीज घटेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डायबिटीज रिवर्सल का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब फंडामेंटल चेंज है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं हो रही, टू मच ऑफ इंसुलिन इज कॉजिंग डायबिटीज। तो ये जो टू मच ऑफ इंसुलिन है, ये देखिए ये लोगों की पिक्चर्स हैं जिन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी, ये फ्रेडरिक बेंटिंग, और इनके जन्मदिन होता है 14 नवंबर को, इन्हीं के जन्मदिन पर ये 1991 में ये वर्ल्ड डायबिटीज डे का आयोजन शुरू किया गया। ये इनके प्रोफेसर थे जॉन मैकलियोड, इनके अंडर ये काम कर रहे थे और इन्होंने मिलकर इस पे काम किया। तो ये हो गया इनका 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। फिर दूसरा नोबेल प्राइज 1977 में इन दो साइंटिस्ट को मिला, रोसलिन येलो एंड सोलोमन बर्सन। इन लोगों को इंसुलिन की डिस्कवरी, इंसुलिन की टेस्टिंग के लिए मिला रेडियो इम्यूनोसे के थ्रू। फिर ये डॉक्टर जिराल्ड रिवन है जिनके बारे में मैंने बताया, इनकी ये बुक है इंसुलिन रेजिस्टेंस द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये 1989 में इन्होंने इसके ऊपर पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, तो अब समझ में आ गया हमारी डायबिटीज क्यों हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो रही है, इंसुलिन बहुत है। अगर हमें डायबिटीज हो गई है, बेसिक बैकग्राउंड हमें कुछ समझ में आया, तो अब हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, और जिस लेवल तक हम पहुंच गए हैं वहां से यू टर्न हम कैसे मार सकते हैं, कैसे हम यू टर्न करें, कैसे डायबिटीज को भगाएं, तो उस कॉन्सेप्ट को अब हम आगे लेके चलते हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर दोबारा अब हम बेसिक से शुरू करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसका क्या पर्पज है। तो खाना खाने के दो पर्पज है हमारे, भाई खाना खाने से एनर्जी मिल जाए, और दूसरा खाना खाने से हमारी बॉडी का रिपेयर और रीजनरेशन हो जाए। रिपेयर और रीजनरेशन क्यों जरूरी है कि जैसे आप ये हमारी स्किन देख रहे हैं, ये हमारी जो स्किन है 3 महीने में बदल के नई स्किन आ जाती है। ठीक है, ऐसे जो आप हमारे हेयर्स देख रहे हैं, ये भी 2-3 महीने में सब नए आ जाते हैं, कंटिन्यूअसली आप देखेंगे ग्रो हो रहे हैं। जो हमारी हड्डियां हैं 2-3 महीने में बदल के नई हड्डियां आ जाती हैं। जो लीवर है वो 6 महीने में आ जाता है, और आपको पता ही है कि मेरी आरबीसी 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है।
जो हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं वो एक साल में बदल जाती है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली नई सेल्स बनाती रहती है और पुरानी डेड होती रहती है। तो नई सेल्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हमारे फूड से मिलता है। तो फूड चाहिए रिपेयर और रिजेनरेशन के लिए। तो फूड सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं चाहिए। कई लोग खाने को सिर्फ इसलिए खाते हैं कि एनर्जी मिलेगी, तो कुछ भी खा लो एनर्जी तो कुछ भी मिल जाएगी। एक ग्लास ग्लूकोज पी लो एनर्जी उससे भी मिल जाएगी, पर क्या वो ठीक है तरीका एक ग्लास ग्लूकोज पी लेना? तो सबसे डेंजरस तरीका है एक ग्लास ग्लूकोज पी लेना एनर्जी लेने के लिए। तो हमें फूड चाहिए, लेकिन उसका मेजर पर्पज रिपेयर और रीजनरेशन है, और साथ साथ में थोड़ी एनर्जी भी दे दे, क्योंकि फूड सब एनर्जी देते हैं। रिपेयर और रीजनरेशन हर एक फूड नहीं करता, हर फूड रिपेयर रीजनरेशन नहीं करेगा, एनर्जी जरूर देगा। तो अगर रिपेयर रीजनरेशन के एंगल से खाएंगे तो ज्यादा अच्छा फूड हम खा पाएंगे। अब हम फूड को देखें तो हमारी बॉडी का कंपोजिशन क्या है और हमारा फूड का कंपोजिशन क्या है। तो जो ये दिख रहा है, हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, 15% फैट है, 10% प्रोटीन है, 5% मिनरल। ये है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी में है ये सब। लेकिन हमारे खाने में क्या है, 70% कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखो कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी में कुछ बना है? कुछ भी नहीं बना। खाने से जो कार्बोहाइड्रेट है उससे कुछ नहीं बना, फैट प्रोटीन मिनरल वाटर, और खा हम रहे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा गड़बड़ जो है यहीं से शुरू होती है। और गड़बड़ क्या होती है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका 20-30% तो हम यूज कर पाते हैं एज एनर्जी, लेकिन 70-80% वो हमारी बॉडी में किसी यूज का नहीं होता और वो बीमारियां पैदा करता है। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। डायबिटीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि डायबिटीज ही हो, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, वजन भी बढ़ सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, पीसीओडी भी हो सकता है फीमेल में, है ना, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। तो ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। अब किसको पहले डायबिटीज हो गई, किसको पहले बीपी हो गया, वो सबकी अपनी अपनी बॉडी का सिस्टम है, वो अपनी अपनी किस्मत है। किसको पहले क्या मिला, किसको डायबिटीज मिली, किसको कोलेस्ट्रॉल मिला। लेकिन अगर गड़बड़ खाना होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। तो ये कार्बोहाइड्रेट और ये सब जो गड़बड़ है, ये पूरे सिस्टम में कहां से आई? वो सिस्टम में आई है जो फूड पिरामिड, जो ये फूड पिरामिड जो दिखाया गया है, सारी गड़बड़ी यहां से शुरू होती है। क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है वो कहते हैं कि जो नीचे है ये ब्रेड और ये रोटी और ये चावल और ये बिस्किट, ये सबसे ज्यादा खाना है, और जो ये प्रोटीन और फैट है ये कम खाना है। तो जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उतना ज्यादा ग्लूकोज, उतना ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड और उतना ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो हमें अपना डायबिटीज रिवर्सल के लिए जो पिरामिड है वो चेंज करना है। हमें सबसे ज्यादा खाना है वेजिटेबल्स, उसके बाद फैट एंड प्रोटीन, और सबसे कम खाना है कार्बोहाइड्रेट। तो ये डायबिटीज रिवर्सल का फूड पिरामिड है, ये हमें फॉलो करना है। ये वाला पुराना पिरामिड है ये हमें फॉलो नहीं करना। डायबिटीज रिवर्स करनी है तो ये फूड पिरामिड हमारे लिए है। ठीक है, तो फूड पिरामिड हमें समझ में आ गया। अब क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो जनरलाइज हमने पहले स्लाइड में देखा कि इंसुलिन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, कार्बोहाइड्रेट। फैट एंड प्रोटीन इंसुलिन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ऐसी चीजें जो इंसुलिन को और ब्लड शुगर को इन्फ्लुएंस करती हैं वो चीजें हमें नहीं खानी, और जो इन्फ्लुएंस नहीं करती वो खा लेनी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो इस सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आगे आ गया एपिसोड ऑफ ईटिंग। ये एपिसोड ऑफ ईटिंग पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया था, और उसमें हमने देखा था कि डायबिटीज में कितनी बार खाना खाएं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लेंगे इस वीडियो को, और क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एपिसोड और ऑफ ईटिंग, इस पे फोकस करना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं। एपिसोड ऑफ ईटिंग, एपिसोड ऑफ ईटिंग का मतलब अगर आपने चलते चलते 4 बादाम के दाने खाए तो एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। चलते चलते आपने नींबू पानी पी लिया, एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। चलते चलते आपने एक चाय पी ली, एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। पानी पिया तो एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं हुआ। तो पर्पस क्या हुआ, कोई भी खाने पीने का आइटम जो डाइजेशन इन्वॉल्व करता है
वो एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया, पानी पियेंगे तो डाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जो ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी में भी डाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि बहुत ही लाइट उसमें कंपोनेंट होते हैं। तो ग्रीन टी और पानी जो है इनको हम छोड़ देंगे, पर जूसेस हम लेंगे। जो कॉफी होती है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है, ब्लैक कॉफी हो गई, ये डाइजेशन की कैटेगरी में चले जाते हैं, ग्रीन टी नहीं जाता है क्योंकि कॉफी सीड से बनती है और जो ये ग्रीन टी है ये खाली लीफ से बनी हुई होती है। तो मोटा मोटा क्या समझना है कि कोई भी खाना हम खा रहे हैं जो डाइजेशन जिसका होना है वो एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। तो हमें अपने पूरे दिन में 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग से ज्यादा नहीं करने, मैक्सिमम 4। आप 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एपिसोड ऑफ ईटिंग 4 हो सकते हैं। तो अगर आप डायबिटीज रिवर्सल अपना शुरू करना चाहते हैं तो पहला काम 4 से ज्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं होगी, ठीक है? 4 से ज्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं होंगे। फिर हम आगे चलते हैं, 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं होंगे तो ये हम एक बार इसको देखते हैं। सो 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग, 3, 2 भी हो सकते हैं, तो इससे हमारा गैप कितना, 4-4 घंटे का गैप हो जाता है। तो 12 घंटे की हम फास्टिंग करेंगे, 12 घंटे की ईटिंग विंडो, और इसमें पेन पेपर लेके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि यहां से आगे कई चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आप चाहेंगे कि आप नोट कर लें, तो पेन और पेपर अपने साथ में रखिए और आप उससे जो चीजें आपको ठीक लगती हैं वो आप इसको समझ सकते हैं खुद, और लिखने के बाद में आपको याद भी रहेगा। तो 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग, 4-4 घंटे के गैप में, 8 बजे खाया तो 12 बजे खाया, 4 बजे खाया, फिर रात को 8 बजे खाया, खत्म। या 9 बजे शुरू कर रहे हैं तो 9 बजे, 1 बजे, 5 बजे, रात को 9 बजे, 9 बजे से ज्यादा लेट नहीं करना है, और फिर रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक हमारा फास्टिंग हो गया। तो 12 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे की ईटिंग विंडो हो गया, और उसमें 4 हम ले सकते हैं, और एक बार खाएंगे तो वो हमारा एपिसोड ऑफ ईटिंग वो हमारा हो जाएगा, ठीक है? अब पूरा जो दिन का जो ग्लाइसेमिक लोड है, अब ग्लाइसेमिक लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चार्ट में दिया होगा, तो चार्ट वेबसाइट से ऑर्डर कर लेंगे, ग्लाइसेमिक लोड पता लग जाएगा। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 5, 10, 3 और 7, ये ग्लाइसेमिक लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 10 का फिगर याद रखना है, 10 का फिगर याद रखना है, किसी भी मील का ग्लाइसेमिक लोड 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 2 मील ले रहे हैं तो ग्लाइसेमिक लोड आप 10-10 ही रखेंगे, फिर आपका टोटल ग्लाइसेमिक लोड दिन का 20 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आप 2 मील थ्योरी फॉलो कर रहे हैं तो आप ग्लाइसेमिक लोड 25 है तो 12-12 12.5 डिवाइड करें, नहीं, 10 से नीचे आप रखेंगे। ये कुछ जनरल प्रिंसिपल है। इसके अलावा जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो आपका ब्लड शुगर राइज होता है वो 25 यूनिट से ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने खाना खाने से पहले ब्लड शुगर लिया आपका 100 है, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल 125 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 125 से ज्यादा जा रहा है तो आपको डाइट का ग्लाइसेमिक लोड और कम करना है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप आसानी से अपने आप अपने घर में कर सकते हैं। ब्लड शुगर देखना है, अपना ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट देखना है। तो खाना उतना ही खाएं कि आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा ना बढ़े, और ज्यादा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी दवाइयों की। और अगर दवाइयों की जरूरत हो तो आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं, जो डॉक्टर हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। तो जनरल रूल्स हम क्या देखें कि भाई 12 घंटे की ईटिंग विंडो है, 12 घंटे की फास्टिंग विंडो है, और हमारी जो डाइट है उसमें 50% पोर्शन अप्रोक्सीमेटली वेजिटेबल्स का होना चाहिए, कुक्ड और अनकुक्ड दोनों मिला के, और बाकी में फैट और प्रोटीन होना चाहिए। टोटल ग्लाइसेमिक लोड 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में 4 या 5 लीटर हमें पानी जरूर पीना है, और 30% आपकी डाइट अनकुक्ड होनी चाहिए सैलेड्स के रूप में, और कभी भी पेट भर के ऐसा ठूस के खाना नहीं खाना है कि एकदम गले तक ऐसा बेहोश होने तक खाना खा लिया। तो खाना इतना ही खाना है कि वो आपका 70% पेट भरे, 30% खाली रहे, वरना ठूस ठूस के जब तक पेट का गुब्बारा नहीं बन जाता और आदमी उड़ने को तैयार नहीं हो जाता तब तक आदमी खाता रहता है, तो उतना नहीं खाना है, ठीक? तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और उसके साथ आप अपना डायबिटीज रिवर्सल का जो प्रोसेस है वो घर में खुद कर सकते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ये डायबिटीज रिवर्सल का, तो घर में करना बड़ा आसान है।
घर में करना बड़ा आसान है। कैसे? ये आपने डाइट के पैटर्न फॉलो किए, और आप ये डाइट के पैटर्न जब आप फॉलो करते हैं तो ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, तो सबसे पहले बीपी ठीक होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपका फास्टिंग ठीक होने लगता है, फिर आपकी धीरे धीरे दवाइयां सब बंद हो जाती हैं और आप हेल्दी फील करना शुरू कर देते हैं। तो घर में करना भी आसान है, आदमी आसानी से कर सकते हैं इसको। जो डाइट के पैटर्न है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जब आप डाइट का ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रखना चाहते हैं तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो सबको जरूरत होती है वो है आटे की, जिस आटे की आप रोटी बना सकते हैं। तो डाइवेक्सी आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा, मल्टीग्रेन आटा, वो सब उनका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है, तो डाइवेक्सी आटा ही यूज करना है। इसके अलावा कि हम घर में सोयाबीन पिसवा लेते हैं गेहूं में, उसमें चना मिलवा लेते हैं, हम तो अपने में बाजरा मिलवा लेते हैं, हमारे बगल में एक चक्की है वो सब बनाता है, तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लाइसिमिक लोड कम नहीं करते। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ग्लाइसिमिक लोड पे। तो इसलिए अगर आटा खाना है तो डायबेक्सी आटा, अदरवाइज आटा ना खाएं तो भी चल सकता है। मान लीजिए आप अंडा और सब्जी खा लिया, आटे की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो भी चल सकता है, या खाली सब्जी खा लिया, सैलेड खा लिया, वो भी चल सकता है। तो रोटी खानी है तो डायबेक्सी आटे की, अदरवाइज बिना रोटी के भी आप इस प्लान को घर में कर सकते हैं। दूसरा, जब आप चाय पीते हैं तो आपको उसमें मीठा डालने की जरूरत होती है, तो डायबेक्सी की शुगर और अब डायबेक्सी की ड्रॉप्स भी आती है, तो आपके चाय के कप में एक दो ड्रॉप आप इसको डाल लें, दो चार, जैसे भी आपको स्वीटनेस क्रिएट करनी हो। इसमें कोई माल्टोडेक्सट्रिन नहीं होता, जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा है, बाकी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, इनमें नहीं मिलता है। तो आप ये कर सकते हैं, चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेने हो तो एलमंड कुकीज हैं, ब्रेकफास्ट बार हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। और सुबह आपको जो डाइट प्लान में फॉलो करना होता है कि सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीना है, जिसमें आप 1 लीटर पानी में, जैसे 1 गिलास पानी है, 2 पिंच मिनरल सॉल्ट और 1 पिंच बेकिंग सोडा, 2 पिंच नमक का और 1 पिंच आपका बेकिंग सोडा, इससे पानी जो है अल्कलाइन हो जाता है, तो सुबह अल्कलाइन पानी पीते हैं तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये बेसिक कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, डायबेक्सी की वेबसाइट से जाएंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें मिल जाती है। एक चीज और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो पुराने जुड़े हुए हैं, जो इन्होंने ये रिवर्सॉल जो टेबलेट है, ये इसका अभी ये नया पैकेजिंग आ गया, और इसमें कई सारे और इंग्रेडिएंट हमने ऐड कर दिए हैं। इसको रात को एक बार लेना होता है, ये पैनक्रियास को प्रोटेक्ट करता है। इसमें अल्फा लिपोइक एसिड भी है, क्रोमियम पिकोलिनेट भी है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट देखने में ऐसा है, ये इसके अंदर एक ये डब्बी है, और ये डब्बी के अंदर ये ऐसे आपको डब्बी दिखाई देगी। तो इसमें 30 टैबलेट्स हैं, तो ये आप ऑर्डर करेंगे आपको ये वाला टैबलेट अभी मिलेगा। तो ये वाली टैबलेट रिवर्सॉल ये आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन पे, डायबेक्सी की वेबसाइट पे, अभी इनका ऑर्डर जो है आप यहाँ से करेंगे तो आज से इनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। तो एक ये टैबलेट जो है डायबिटीज रिवर्सल में रात को खाने के टाइम पे एक लेनी होती है डिनर में, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिक सप्लीमेंट है जो आपकी विटामिन वगैरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जैसे हम मेटफॉर्मिन खाते हैं, विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है, उसको पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। तो डायबेक्सी बेसिक इसको सुबह खाना होता है, तो जो रिवर्सॉल टैबलेट है ये रात को लेना है, ये वाला डायबेक्सी बेसिक आपको सुबह लेना है अर्ली मॉर्निंग। और ये कि एंटी फ्लेम है, कि जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो ऑर्गन डैमेज होता है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है बॉडी में एंटी फ्लेम। किसी को एलर्जी हो बॉडी में, एंटी फ्लेम ले सकता है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड इशू है, तो एंटी फ्लेम लेने से इन्फ्लेमेशन कम होती है, उसका फायदा मिलता है। इसके अलावा जो टैबलेट है, अगर आपका डायबिटीज में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है तो डायबेक्सी की जो पावर फ्लो टैबलेट है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो सुबह इसकी एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसको यूज करना है तो रात को इसकी 2 टैबलेट लेनी होती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो 1 टैबलेट सुबह पावर फ्लो की, अदरवाइज ईडी पर्पज से लेते हैं तो नाइट में इसकी 2 टैबलेट एक साथ में लेनी होती है। तो जैसा भी पर्पज आप यूज करना चाहें ऐसे टैबलेट को यूज कर सकते हैं। पावर मोन जो है ये हार्मोन बैलेंसिंग में काम करता है, इसकी 1 टैबलेट सुबह लेनी होती है, तो आप हार्मोन्स को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। ये कुछ टैबलेट हैं जो आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये सारी जो टैबलेट हैं ये डाइटरी सप्लीमेंट है और डाइटरी सप्लीमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं।
इसके अलावा ये एक ग्लूकोज डेटा बुक है कि जो भी आप कर रहे हैं उसका डेटा आप रिकॉर्ड मेंटेन करें, कितने बजे खाना खाया, कितना ग्लाइसेमिक लोड खाया, कितना ब्लड शुगर आया था। तो ये जो ग्लूको डाटा बुक है ये आपको डायबेक्सी की वेबसाइट पे जैसे मैंने आपको बताया था मिल जाएगी, और इसमें जो डिटेल्स रहती हैं मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है ग्लूको डेटा बुक। ये ऐसा है ग्लूको डेटा बुक, इसमें जब आप अंदर जाएंगे तो ये एक तो पहले प्रोडक्ट की सारी लिस्ट दी हुई है कि डायबेक्सी के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, पैनकेक, टेबलेट वेबलेट सब इसमें, मिठाई जो है ये सारी चीजें इसमें भी। एक तो ये ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट भी इसी बुकलेट के अंदर, तो सारा ग्लाइसेमिक लोड आप देख सकते हैं कि इस फूड का कितना है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे ये HbA1c वाला चार्ट है, तो हमें अपना HbA1c कितना रखना है 5.5 से नीचे, तो 5.5 में ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है 111, तो हमें ग्लाइसेमिक लोड इतना रखना है कि HbA1c हमारा 3 महीने में 5.5 के नीचे आ जाए। तो ये 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, जैसे आपका बॉडी हेल्प करती है अकॉर्डिंगली हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये HbA1c की वैल्यूज कितनी होती है इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे BMI चार्ट, आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 5 फुट 7 इंच है, तो 5 फुट 7 इंच पे आपका बॉडी वेट 67 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 52 से कम नहीं होना चाहिए। तो 52 से 67 ये आपकी रेंज है, ये BMI चार्ट है। ऐसे ही आप इंसुलिन रेजिस्टेंस, होमा बीटा सब चेक करना चाहते हैं वो है इसमें। और ये इस टाइप से ये इसमें के चार्ट हो जिसमें आप साल भर का डेटा आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप सुबह उठे ब्लड शुगर कितना था, 2 घंटे बाद कितना, जिम के बाद कितना, खाने से पहले कितना, खाने के बाद कितना, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कौन सी टेबलेट खाई, वो सारी की सारी चीजें आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो जितना अच्छे से आप डाटा मेंटेन करेंगे उतना अच्छा आपका डायबिटीज रिवर्सल होगा। तो ये ग्लूको डेटा बुक बहुत जरूरी है, इसमें साल भर का डेटा एक जगह रख सकते हैं, गुम होने का भी कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल चोरी हो गया, डाटा उड़ गया, मोबाइल करप्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं, आप सारा डेटा पेन पेपर से लिख के अपने घर में रख सकते हैं। ग्लूको डेटा बुक आपको आसानी से वहां पे मिल जाती है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे डायबेक्सी की वहां से मिल जाएगी बुकलेट की फॉर्म में। तो ये आप चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं आगे, अगर आप ये डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम खुद घर में कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको जो हमारा रिवर्टीज डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है ये अब ऑलमोस्ट फ्री है, और फ्री का मतलब ये है कि इसको जब आप ज्वाइन करते हैं तो 5,999 रुपये का इसका प्रोग्राम का चार्ज होता है, और जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको 6,000 रुपये के कूपन दिए जाते हैं। ये नवंबर के मंथ में ऑफर चल रहा है, तो 6,000 रुपये के जो कूपन है उससे आप सप्लीमेंट खरीद सकते हैं। तो जो रिवर्सॉल टैबलेट है, एंटी फ्लेम है, जो ये पावर फ्लो टैबलेट है, या डायबेक्सी बेसिक टैबलेट है, ये सारे के सारे टैबलेट आप इन 6,000 के कूपन से खरीद सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की कंसल्टेशन, हर 15 दिन में आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन या डाइटिशियन की कंसल्टेशन मिलेगी। अगर इसको आप अलग से परचेज करते हैं तो 500 रुपये पर कंसल्टेशन उसका भी चार्ज होता है। महीने में दो सर्विसेज जो ये हमारी जो इस तरीके की क्लास होती हैं वो मैं करता हूँ, तो हर फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को मेरी क्लासेस होती हैं। अगर मुझसे आप डायरेक्टली सेपरेट कंसल्टेशन करते हैं तो उसका 5,000 रुपीज चार्ज है, लेकिन अगर आप रिवर्टीज के मेंबर हैं तो हम सैटरडेज को मिलते हैं और वहां पे हम मिलके आपस में डिस्कशन कर सकते हैं जो भी किसी को सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आप रिवर्टीज ज्वाइन करते हैं तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, जो कम्युनिटी डायबिटीज रिवर्सल में बिलीव करती है। तो अभी ये ऑफर चला हुआ है, एकदम ऑलमोस्ट फ्री है, इस महीने में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इनफैक्ट अगर 5,999 दे के 6,000 रुपये आपको उल्टा मिल रहा है, तो अगर आप कहें तो इसमें जो है 1 रुपीज का और एडिशनल एक्स्ट्रा ही मिल रहा है जितना आप दे रहे हैं उससे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं रिवर्टीज डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, क्योंकि जो हमारा जो मिशन है वो बड़ा मिशन है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और डायबिटीज को हिंदुस्तान से भगाना है तो एक साथ सबको आके काम करना पड़ेगा, पहले अपनी भगानी है फिर अपने आसपास वालों की भगानी है। तो जब तक हम आपस में एक साथ जुड़ेंगे नहीं तो ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो डायबेक्सी बिलीव्स इन टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, और आप सब वो लोग हैं जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बिना नॉलेज के कंट्रोल नहीं आएगा, और डायबेक्सी के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको डायबेक्सी के साथ वो इनोवेटिव प्रोडक्ट भी मिलेंगे।
जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही लाइफ बदलते हैं, प्रोडक्ट ही लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। तो वो प्रोडक्ट भी मिलेंगे, कंसल्टेंशन भी मिलेगी आपको, ऐसे लोग भी मिलेंगे, एक कम्युनिटी भी मिलेगी जो डायबिटीज रिवर्सल में बिलीव करती है। और जब हम सैटरडे की मीटिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी अपनी स्टोरीज भी शेयर करते हैं, जिससे हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब हम दूसरे का कॉन्फिडेंस देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया डायबिटीज रिवर्सल में लगी हुई। अगर आदमी अकेला घर में करता रहता है तो उसको लगता है पता नहीं मैं ही बेवकूफ हूँ, क्या मैं ही कर रहा हूँ, पता नहीं और कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम मिलके एज ए कम्युनिटी काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कोई मन में शंका हो, कोई सवाल हो, तो आप इमीडिएटली फोन करके पूछ सकते हैं। तो कम्युनिटी का हिस्सा बने, रिवर्टीज डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन करें। अभी ऑलमोस्ट फ्री है, 6,000 रुपए का कूपन में आपको फ्री मिल रहा है, और ये रिवर्सल और ये बेसिक ये सारी चीजें तो आपको लेनी होती है, तो क्यों ना इस कूपन से ले लें। जब खरीदने तो ही मान लो आपको और भी कुछ नहीं करना, तो 6,000 रुपए के ये जो कूपन है उन्हीं को यूज कर लीजिए, और डॉक्टर से भी आपकी फ्री में, क्योंकि जब जो लोग दवाई ले रहे हैं उनकी दवाइयां भी चेंज करनी पड़ती है, तो डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है। अपने आसपास वाले डॉक्टर के पास जाए तो वैसे ही भगा देता है, ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं होता, डायबिटीज रिवर्सल कुछ नहीं होता, तो ऐसे करके डिमोटिवेट भी कर देते हैं कुछ लोग। कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप डायबिटीज रिवर्सल का जो प्रोग्राम है वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, अपना डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है, फूड चेंज करना है, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट लेने हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पांस दिखाना शुरू कर देता है, 2-3 दिन में आपको अच्छा रिस्पांस दिखने लगता है, 1 महीने के अंदर ज्यादातर लोगों की 60-70% लोगों की दवाइयां बंद हो जाती है, कुछ लोगों की धीरे धीरे बंद होती है, और साल भर के अंदर ज्यादातर लोग अपने डायबिटीज रिवर्स कर लेते हैं। हम नॉर्मली 3 रीडिंग लेते हैं कि 3 HbA1c की रीडिंग 3-3 महीने के गैप में वो 5.5 से नीचे आ जानी चाहिए, और बहुत से लोग ये अचीव कर लेते हैं और बिना दवाइयों के अपनी डायबिटीज को मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डायबिटीज रिवर्सल को अपने आप घर में बैठ के इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। और जो अगली क्लास है सैटरडे को, हम ये देखेंगे कि अगर ये हमने प्रोग्रेस शुरू की और हमारा डायबिटीज रिवर्सल के प्रोसेस में हम जा रहे हैं और ब्लड शुगर ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ और इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में सेम टाइम रहेगा, 4 बजे से 5 बजे के बीच में ऐसे वर्कशॉप रहेगी। और अब हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं, कुछ लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ जो डायबिक्सी से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, अगर वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जो फायदा हुआ तो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस किसी फूड से रिलेटेड है वो शेयर करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। अभी हम आपस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। असद जी बोलिए सबसे पहले। सर जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, इज देयर एनी प्रोग्राम ऑफ डायबेक्सी टू स्टार्ट अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम? अभी तो नहीं है सर रेजिडेंशियल का, पिछले साल हमने एक किया था और नेक्स्ट ईयर अब हम इसमें कुछ प्लानिंग करेंगे, फिलहाल नहीं है। और अगर कोई लोग अगर यहाँ पे हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड क्लिनिक चलाते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और वो प्रोफेशनल लेवल पे खुद अपना डायबिटीज रिवर्सल का क्लिनिक खुद अपना खोलना चाहते हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स होता है 3 महीने का, और उस सर्टिफिकेट कोर्स में हम और डीपर नॉलेज देते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, डायबेक्सी के आप फ्रेंचाइजी बन सकते हैं और अपना खुद का एक क्लिनिक भी खोल सकते हैं अपने शहर में और लोगों की सेवा कर सकते हैं, वहां पे उनको डायबिटीज रिवर्स करने की मदद कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल अभी तो नहीं है सर, अभी जैसे होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू एडवोकेट साहब मनीष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, मैंने फरवरी मार्च 2022 से जी डायबिटीज प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया है जी, विदाउट मेडिकेशन। मेरा 7.8 से मैंने अक्टूबर में किया हुआ 6.1 तक आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल 201 था वो भी 160 पे आ चुका है जी। मेरा बीपी भी अब कंट्रोल में है। वेरी नाइस। बेसिकली ये है कि विदाउट एनी मेडिसिन मैंने डायबिक्सी के प्रोडक्ट यूज किए, जैसे आटा है और कुकीज है जी। तो उससे मुझे काफी फायदे हुए हैं जी। सो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सर। आप ये रिवर्सल और एंटी फ्लेम भी लें सर कुछ दिन, क्योंकि अभी आपका ना 6 से ज्यादा चल रहा है, तो ये दो सप्लीमेंट यूज करेंगे तो ये 5.5 से नीचे आ जाएगा फिर। फिलहाल मैं बेसिक और रिवर्सल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कम से कम मैंने 4-5 महीने यूज किए है, तो उसमें और कुछ करना है सर इम्प्रूवमेंट? अभी अगर एक बार ना आप रिवर्टिस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं रिवर्टिस में? नहीं, अभी तक जुड़ा नहीं हूँ सर। अच्छा, या तो आप रिवर्टिस ज्वाइन कर लें, नहीं तो आप ये डॉक्टर होरा की कंसल्टेशन होती है, अलग से उनकी कंसल्टेशन बुक कर लें, वो थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करके और आपको इस बारे में कुछ और गाइड कर देंगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करण परमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं डायबिक्सी आटा 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ जी, और उसमें मेरे को बेनिफिट तो बहुत हुआ है जी। एप्रोक्स जो यूरिनरी मेरे को बहुत ज्यादा जलन होता था यूरिन में, ये 2 साल से था मेरे को, तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। अब उसमें हो नहीं रहा यूरिन इन्फेक्शन, मतलब जलन तो नहीं हो रही है, पर बाथरूम कुछ हद तक रुक रहा है, मतलब बाथरूम प्रॉपर फुल के नहीं हो पाता है, प्लस बैक पेन जो हो रहा था वो थोड़ा सा डाउन हुआ, पर फिर भी वो कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी प्रॉपर उसका वो नहीं हो रहा है, और जो मेरा ब्लड शुगर लेवल है वो इन्फ्लामेशन फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 130 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, कभी 75 हो जाता है, और इंसुलिन के डोसेज भी मैं थोड़े मैनेज कर रहा हूँ, उसके बाद भी प्रॉपर वो नहीं मिल पा रहा मेरे को। देखिए ये तो पूरा जो हिस्ट्री ना थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल डिस्कशन के बाद ही इसमें कुछ आगे समझाया जा सकता है, लेकिन एक अगर रुक रुक के अगर पेशाब आता है तो ये कहीं प्रोस्टेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक बार यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो थोड़ा एक बार डायग्नोस करके बता देंगे कहीं कुछ ऐसा इशू तो नहीं है, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जो ब्लड शुगर से रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये एक बार मेडिकल डॉक्टर से जो हमारे हैं आप एक बार बुक कर लीजिएगा कंसल्टेशन, वो थोड़ा डिटेल देख के बता देंगे आप। नेक्स्ट अजय बघेल जी। ओके, थैंक यू सर। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मुझे मैंने 3-4 बार डायबिटीज टेस्ट कराया था तो उसमें मेरा सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैं दिन में 6-7 बार लगभग टॉयलेट जाता हूं, तो क्या मुझे अभी भी डायबिटीज है या इट इज रिवर्सल? नहीं, 6-7 बार जा रहे हैं, एक तो देखो भी पानी पीने के कारण हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहे हैं ना आपके? हेलो अजय, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है ना? यस सर, 3-4 बार से मैंने 3-3 महीने में टेस्ट कराया था, 3-4 बार में तो नॉर्मल आया है, 3-3 महीने के गैप में। HbA1c कितना, 5.5 आ रहा है? हाँ हाँ लगभग। अच्छा ठीक है, देखिए अगर HbA1c ठीक चल रहा है तो ज्यादा पानी पीने से भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर कुछ और इन्फेक्शन वगैरह अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेरे ख्याल से तो कुछ इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार फिजिशियन को दिखा दीजिएगा, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद रफीक जी, जो सवाल पूछ रहे हैं एक बार अगर हो सके पॉसिबली तो वीडियो ऑन करके पूछें, बाकी सब लोगों को भी दिखता है, अच्छा लगता है, इंटरेक्शन अच्छा लगता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है जी। सर मैं तकरीबन 1 साल से जो है आपका ये प्रोग्राम देखा, उसे फॉलो कर रहा हूँ जी जी, लेकिन हमारे जो DDR हैं मोहम्मद इरफान हैं जी, उन्हीं के मशवरे से मैं ये सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ जी। लेकिन सर मैं अब तक तो चेकअप कंटिन्यू नहीं करा, हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है मुझे जी, सब ठीक चल रहा है, इस वजह से मैं टेस्टेस के पीछे नहीं पड़ा सर जी। अब वो तकरीबन जो है अब तक आपका डायबिटीज आटा है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, और उसी को फॉलो कर रहा हूँ, और वो डेली मेरा जो ग्लाइसेमिक लोड है 20 के अंदर ही रह रहा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। उससे अब तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज तो कुछ भी नहीं सर, पहले जो बहुत प्रॉब्लम थे मुझे, हमारे DDR मोहम्मद इरफान के बताने पर मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, अब तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। मुझे क्या तो टेस्ट कराना है या नहीं, इसका कुछ मशवरा होना है इसका?
देखिए टेस्ट कराने से ही चीजें पता लगती हैं एग्जैक्टली है या नहीं, मतलब हेल्थ रिलेटेड हमें प्रॉब्लम नहीं है वो अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा HbA1c चल रहा है ये सब रीडिंग तो हमारे पास होनी चाहिए ना। हाँ ये यही है सर, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं करा रहा हूँ कि हेल्थ तो एकदम एक्टिव है सर, पहले को आपको जो है बहुत फर्क है। नहीं बात ठीक है आपकी, पर एक बार HbA1c कराएं, क्योंकि ब्लड शुगर 100 है, 110 है, 120 है, कोई बहुत पता नहीं चलता उसमें डिफरेंस। जी तो जी HbA1c तो कराएं आप, सही है या नहीं है। जी जी सर, जरूर कराऊंगा सर। थैंक यू जी सर, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे सर, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। अंगद जी हेलो सर। जी सर बोलिए। अभी आपने जो कहा था ना कि 30% रॉ फूड होना चाहिए, तो क्या हम डायबिटिक्स के आटे का 50 ग्राम तो रोटी खा लेते हैं, साथ में जो सैलड खा रहे तो उसको भी तोल के खाना है? अप्रोक्सीमेटली देखिए तोल के खाना ज्यादा अच्छा एक आइडिया है पूरी डायबिटीज में, डायबिटीज की डाइट में, तो क्योंकि आपको एग्जैक्ट फिगर रहती है कि आपने कितने ग्राम ये खाया, कितना ग्लाइसेमिक लोड हुआ, तो तोल के खाना तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी तो हमारा शुगर लेवल तो नॉर्मल रहता है, यानी कि 110 फास्टिंग है और PPA 130, और हम 15 दिन से ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा। हमारा अभी 8.5 ये था HbA1c, अभी 7.3 आ गया है, और अभी कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये भी नाप के खाना है क्या, जो ये खाते हो सैलड खाते हो। नहीं सब चीज, हर चीज नाप के खाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंगद जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके सर, थैंक यू। राहुल जी। यस सर। जी सर बोलिए। बहुत बढ़िया जी बोलिए। सब कुछ ठीक चल रहा है, नथिंग, कोई इशू नहीं है जी। लास्ट दिवाली से एक हफ्ता पहले से देख रहा हूँ मैं कि मेरा फास्टिंग और पीपी दोनों ही बहुत ही कम जा रहा है। फास्टिंग मेरा 88 के आसपास आ रहा है इसी डेट में, और खाना खाने के बाद भी 89 रह रहा है 2 घंटे बाद का। अच्छा, तो खैर आपका प्रोग्राम तो मैं पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आटा वाला जो भी है, रिवर्स और टेबलेट एवरीथिंग में ले रहा हूँ जी। तो अभी स्थिति ये हो जाती है कि कई बार लगता है कि बहुत कम हो गया, तो हल्का हल्की से ना वाइब्रेशन से बॉडी में फील होती है। अच्छा। इन दैट केस दिवाली में तो मतलब अब 10 सालों में पहली बार दिवाली में मिठाइयां खाई मैंने, वो भी लोकल जो भी मतलब आपकी नहीं, जो नॉर्मली घर में आती हैं वो मैंने वो भी खाए, करीब 5-5, 6-6 लड्डू भी खा गया, उसके बावजूद शुगर मेरा 89 रहा। अच्छा, ओके। ये थोड़ा सा मेरे लिए इशू है कि चूंकि ऑफिस जाना है, कार ड्राइव कर रही होती है, तो समटाइम्स शिवरिंग होने लगती है बॉडी में कि इतना कम हो जाता है। तो इतना कम क्या, कुछ दवाइयां चल रही है क्या? कोई दवाई नहीं, जो है आपका है सब कुछ, आटा बस वही आटा ही है आपका बस, और कुछ नथिंग एल्स। अच्छा, ओके। तो ऐसा एक बार चेक करके देखना आप, जब आपको ऐसा फील होता है ना कि लो हो रहा है, तो एक बार ब्लड शुगर चेक करके देखें। तो देखो हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ना, सिम्टम 70 से नीचे आते हैं, तो अगर आपका 90 है तो ऐसे सिम्टम नहीं दिखने चाहिए 90 में। हाँ, 88 90 88 90 रहता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया तो हम 70 से नीचे कहते हैं, तो 90 तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो कुछ और चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा जो डिटेल रिपोर्ट है, पूरे दिन का जो डाइट का पैटर्न है, एक बार आप व्हाट्सएप भेजिएगा, तो देखते हैं कि जो ग्लूकोडाटा वाला जो चार्ट होता है, एक बार देखते हैं उसको, एनालाइज करते हैं कि इतना नीचे क्यों फील होता है ऐसा। क्योंकि पिछले 15 दिन से मेरा शुगर जो है लगभग यही चल रहा है, 88 to 95 यही चल रहा है, खाना खाने के बाद भी, खाना खाने के पहले भी। देखिए 85 फास्टिंग इज अ फैंटास्टिक फिगर, मतलब अगर आपका फास्टिंग 85 रहता है, इसका मतलब कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर फास्टिंग 95 है, मतलब ऑर्गन डैमेज हो रहा है, चाहे डायबिटीज नहीं है तो भी, है ना। तो 85 तो बहुत ही बढ़िया फिगर है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि ये फीलिंग हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, ब्लड शुगर मान लो 90 है पर ऐसा फील हो रहा है, तो एक बार मैं ये देखना चाहूंगा कि डाइट का जो पैटर्न चल रहा है वो किस टाइप से है, और एक बार उसको देखते हैं, फिर कुछ अगर ऐसा होगा तो डिस्कस करेंगे। श्योर सर, थैंक यू सर। सोएब अंसारी जी। सोएब अंसारी जी अनम्यूट करके बोलिए। हेलो जी, हरी आवाज आ रही है सर? जी सर। सर वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू रियली। मैं सर आप बहुत हेल्प करें लोगों का, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
मैं बता नहीं सकता सर कि आप कितना लोगों का भला कर रहे हैं। सर वीडियो ऑन कर लेंगे शोएम जी। मैं कर लूंगा। सर का मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूं और हमेशा उनको देखता हूं, एटलीस्ट मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। अच्छा। और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, और इससे पहले डायबिटीज के बारे में इतना इंटरेस्ट था नहीं मुझे, लेकिन सर का वीडियोस को देख करके मुझे अब इतना इंटरेस्ट होता है डायबिटीज के बारे में पढ़ने के लिए। सर का बुक भी मैंने मंगा रखा है अमेजोन से, वो बुक में काफी आधा तो पढ़ चुका हूँ मैं इसमें उसको, और मुझे काफी अच्छा मतलब कि लगता है आपके सारे वीडियोस देखने में, और आज लाइव जुड़ रहा हूँ आपसे, और आपसे बात करने का इतना मन था मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता सर बिल्कुल भी। थैंक यू सोएब जी, आप हमारी उम्मीद है कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, और जब आपकी मेडिकल की पढ़ाई हो जाएगी तो आप लोगों को ऐसे भला करेंगे और उनको डायबिटीज रिवर्स करने में मदद करेंगे, क्योंकि आप ज्यादा ट्रेंड हैं और प्रोफेशनली आपको ज्यादा नॉलेज होगी इन सब चीजों की, जो ड्रग्स हैं उनका इंटरेक्शन क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जब मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। पटेल साहब अनूपपुर से, पटेल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आवाज नहीं है। नहीं नहीं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ पटेल साहब, कुछ क्वेश्चन इशू है। अनिल शर्मा जी, अनिल जी अनिल शर्मा जी की भी आवाज हमें नहीं आ रही है। नेक्स्ट माधव लाल जी, आज आ रही है सर? हाँ हाँ अब आ गई, आ गई। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि आपने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जी, अगर जैसे बहुत सारे डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटिक की बात करें तो उसमें लगभग 10-20-30% डायबिटिक ऐसे हैं जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग है, मोडी जी आप जानते ही होंगे इसके बारे में। जी जी। तो मोडी का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। यूजुअली उनका इंसुलिन लेवल अगर फास्टिंग की बात करें तो 4-5 के आसपास मिलेगा, फास्टिंग ब्लड शुगर भी लगभग 130 के आसपास मिलेगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो डायबिटिक होते हैं। जी जी। तो देखिए जो ये था, ये जो कैटेगरी है ना, जो हम मोडी की जो बात कर रहे हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग, तो ये कम है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस नहीं, इट्स नॉट 20-30%। ये अगर टाइप 1 डायबिटीज और मोडी वगैरह मिला दें तो ये सारे 10% से नीचे है। टाइप 1 5-6% के आसपास है, 1-2% ये है, तो ऑलमोस्ट 90% केसेस टाइप 2 वाले ही हैं। लेकिन है तो सही ना सर? हाँ मतलब है, पेशेंट अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज होती है बिल्कुल, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ही नहीं, फिर डायबिटीज कैसे होनी चाहिए उनको? नहीं होनी चाहिए। इट मींस ये देखिए जेनेटिक रीजन है, तो जेनेटिक रीजन जैसे एक तो बेसिक फंडामेंटल की आया कि भाई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा और वो टाइप 1 हो गया, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई टाइप 2 हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जेनेटिकली, कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, उसके जेनेटिक सिक्वेंसिंग में चेंज है ना, तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिक लेवल की भी हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। जो मैंने पढ़ा है कि जो हर एक डायबिटीज है, चाहे किसी भी कैटेगरी को, बिना जेनेटिक सिग्नलिंग गड़बड़ हुए कोई भी डायबिटीज हो ही नहीं सकती, चाहे वो लाडा हो, मोडी हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 है, टाइप 3 हो, कुछ भी हो। नहीं नहीं, टाइप 2 लाइफस्टाइल है, टाइप 2 जेनेटिक नहीं है, टाइप 2 लाइफस्टाइल है, उसको आप जेनेटिक नहीं कह सकते। जेनेटिक केसेस 5-6% होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि इंसुलिन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैट एंड प्रोटीन। हाँ, मतलब नॉट मच। लेकिन सर इंसुलिन के फंक्शन तो फैट का अगर देखे, लिपोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म तो है ही, और इसके अलावा कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इनका भी तो मतलब जो इंटेक होता है। अनिल जी आप ना इंटेलेक्चुअली साउंड है, मेरे ख्याल से आप हमारे डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है वहां ज्वाइन करें, आप जैसे जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी हमें जरूरत है, ताकि लोगों को आगे एक्सप्लेन कर सके इन सब सवालों के जो जवाब है ना, वो हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये डीपर कॉन्सेप्ट है थोड़े डायबिटीज के। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ जी, थैंक यू अनिल जी। ओके थैंक यू सर।
हाँ माधव लाल जी जी नमस्कार सर। अच्छा सर मैं एक चीज बोलना है कि मुझे 2 महीना पहले मैंने ब्लड शुगर चेक करवाया था तो 136 आया था मॉर्निंग में ओके, और खाना खाने के बाद में 156 आया जी। फिर उसके बाद में आपका YouTube मैंने बहुत लगातार काफी देखा, कुछ नॉलेज गेन करने के बाद में कुछ लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया जी। तो फिर 1 महीना बाद करवाया तो मॉर्निंग का 125 आया और खाना खाने के बाद 138 आया। अच्छा ओके, तो 1 महीना के बाद ही, अब 1 महीना 1 महीना के बाद में जो चेक करवाना बाकी है जो अभी चेक करवाऊंगा। और HbA1c जो आया 5.6 आया था ओके, तो क्या डायबिटिक हूं मैं या नहीं हूं? हाँ डायबिटीज है ना, HbA1c 5.6 है, वो एक अलग मैटर है, पर आपका ये फास्टिंग 130 इधर जा रहा है ना, तो डायबिटीज तो है ही। फास्टिंग हमारा देखिए आइडियल फिगर हमारा 85 के आसपास फास्टिंग रहना चाहिए। अगर ज्यादा जा रहा है तो अगर मान लीजिए 95 है तो क्या हम डायबिटिक हैं भाई? मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से आप डायबिटिक नहीं है, पर गड़बड़ी चल रही है बॉडी में। अच्छा तो आप फोकस करें अभी। अच्छा अभी और थोड़ा जो है कभी कभी जो है ना शाम में या इवनिंग टाइम में फीट में थोड़ा सा हाथों का जलन महसूस होता है जी, तो गर्म हल्का हल्का गर्म लगता है। ये इन्फ्लामेशन मतलब न्यूरोपैथी की तरह, अगर जलन जैसा लग रहा है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम हो सकते हैं। एक तो एंटी फ्लेम जो टैबलेट है वो आपको हेल्प करेगा, वो रात को एक ले सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ और भी सप्लीमेंट हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, एक बार आप कंसल्ट कर लेंगे तो बता देंगे, पर एज ऑफ नाउ आप एंटी फ्लेम एक ले लेंगे वो हेल्प करेगा, और ब्लड शुगर डाइट कंट्रोल चलता रहेगा तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो है इसमें। बीपी भी बढ़ा हुआ है क्या? 138 था ब्लड प्रेशर। नहीं ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर का एक गोली लेता हूँ। अच्छा रात में LTKH लेता हूँ एक गोली। अच्छा ठीक है, अब एक बार थोड़ा मेरे ख्याल से ना आपका आपका केस थोड़ा डिटेल में एक डिस्कशन होगा तभी कुछ गाइडलाइन निकल पाएंगी, है ना? अभी तो मतलब एक मिनट के अंदर तो सारी चीजें डिस्कशन नहीं हो सकता है, तो अभी एज ऑफ नाउ तो अगर न्यूरोपैथी है तो उसका थोड़ा सा डिस्कशन करके देखना पड़ेगा कि वो क्या इश्यूज है। एक बार आप कंसल्टेशन के लिए बुक कर दीजिए, नहीं तो आप रिवर्टिस में ज्वाइन कर लेंगे तो आप आ चुके, ठीक है? थैंक यू नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे ले लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मैंने यूट्यूब के ऊपर आपका जैसे हर वीडियो मैंने छान छान के देखा, और आप जो साइंटिफिक बातें बताते हो ना जी, जी तो उससे मैं तो वही चीज शुरू से मैंने सर्च कर करके थक गया कि कहाँ पर। 2 साल पहले ही मुझे हुआ और 2 साल पहले आप ये ऑनलाइन में आने लगे जी। तो आपने थोड़ा ये हाईलाइट होने में थोड़ा टाइम लग गया, इतने मेरा थोड़ा ये डायबिटीज है बड़ा आगे बढ़ गया। तो अभी मैंने रिसेंट करवाया था सर 15 दिन पहले, तो उसके अंदर सर मेरा फास्टिंग में मेरा था 280 और नहीं 355 और HbA1c 11.5। अच्छा। और 2 साल से मैंने गवर्नमेंट जॉब है तो मेरे को पहले वो 500 mg वाली देते थे, फिर 1000 वाली, तो CGHS से, तो अभी गया तो उन्होंने इंसुलिन मेरे को बता दिया। हाँ हाँ। अब फिर मैंने आपका ये चैनल देखा, मैं इंसुलिन के ऊपर डायरेक्ट जाने से पहले वो एक हैबिचुअल मेरी बॉडी उसकी हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए आपका चैनल से जब मैं जुड़ा तो फिर वो आटा वगैरह ऑर्डर करा, अभी लास्ट वीक से ही खाने लगा हूँ। तो अभी फास्टिंग में मेरा 160 आ रहा है और पीपी में 200 और आज का 210 था। अच्छा ओके। और सर आपका एक वीडियो देखा मैंने जिसमें आप वो इंसुलिन जो हमारा सी पेप्टाइड टेस्ट जो बताता है वो, हाँ हाँ, तो उसके अंदर में सी पेप्टाइड मेरा 0.68 है सर अभी, तो उससे मेरे को लगा कि क्या इंसुलिन लेना ही पड़ेगा कि ये नॉर्मल रेंज से कम आ रहा है। बॉडी वेट कितना है आपका? बॉडी वेट भी सर बहुत जाया जा रहा, मेरा 11 किलो वेट लूज हो गया सर, मैंने वो
आचार्य मनीष वाले वहां पर गया था, तो उन्होंने ओनली सलाद के ऊपर डिपेंड कर दिया मेरे को, तो बोल रहे कि बस सलाद ही खाना है सलाद ही, तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में भी सलाद ही भर भर के खीरा खीरा यही खाते, तो मेरा वेट इतना गया कि अभी 58 केजी के है सर, और मेरी हाइट है 5'11". अच्छा, तो देखो नमन जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पैनक्रियाज जो है ना इंसुलिन नहीं बना रही है ज्यादा, तो इसको इंसुलिन मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी आपको जी, और क्योंकि बॉडी वेट लॉस काफी हो गया है और ब्लड शुगर कम ग्लाइसेमिक लोड खाने पे भी ज्यादा बन रहा है, तो क्या होता है कि जब आपका ग्लाइसेमिक लोड कम खाते हैं तो ग्लूकोज नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी ग्लूकोज बढ़े जा रहे हैं, तो वो आपका लीवर बना के डालता है क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम है, ग्लूकागन हार्मोन ज्यादा हो जाता है, तो लीवर को पुश करता है ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए, तो इंसुलिन की तो जरूरत पड़ेगी, पर इंसुलिन कम से कम जरूरत पड़े इसके लिए आप डाइट का पैटर्न फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है आपकी कंडीशन इंसुलिन वाली है, पर कौन सा इंसुलिन लेना है ये एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, तो आप डॉक्टर के साथ हमारी कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा, वो एनालाइज करके आपको गाइड कर देंगे क्या ठीक रहेगा। जी सर, थैंक यू। मधुर जी, हेलो सर, रियली अ बिग फैन ऑफ योर्स, और सर मुझे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है छोटे से सर। एक तो मेरे पास आपका ग्लाइसेमिक लोड का चार्ट है, उसमें सर आपके प्रोटीन पाउडर में को ग्लाइसेमिक लोड रेड में दिया गया, रेड मार्क किया गया, तो मैं जो वे प्रोटीन लेता हूँ वो कार्ब उसमें या एक या दो या तीन ग्राम होते हैं और प्रोटीन होता है 28 to 30 grams, ठीक है, तो ये तो सर ग्रीन में आना चाहिए कि प्रोटीन पाउडर वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है जो चार्ट में है। एक्चुअली जो जनरल प्रोटीन पाउडर आते हैं ना, ये जो प्रोटीन एक्स टाइप के, हॉर्लिक्स टाइप के, इन लोगों को सब प्रोटीन पाउडर वो बात है, तो वे प्रोटीन तो ग्रीन कैटेगरी में आएंगे ना, जिसमें वे प्रोटीन का कम है इंसुलिन रिस्पांस, तो उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे डायबेक्सी के जो भी लाइक प्रोडक्ट्स हैं वो लो इन कार्ब है, राइट, तो सर जैसे अगर हम देखें कि एक मॉडर्न डाइट में कीटो डाइट बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं कि कीटो डाइट में एक रिस्क होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो सर ऐसा कुछ डिसबैलेंस होने का वो रहता है या उसको कवर अप करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग? जनरली तो क्या होता है कि जब भी आप कोई वेट लॉस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो वाटर लॉस होता है बॉडी से, और वाटर लॉस जब होता है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, तो जैसे हम अपने प्रोग्राम में तो क्या काम करते हैं, जो मैंने बताया ना कि एल्कलाइन वाटर पीते हैं कि नमक और ये बेकिंग सोडा डाल के, तो नमक जो है वो मिनरल सॉल्ट है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, 84 मिनरल माने जाते हैं वो, जो हिमालयन पिंक सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, तो वो मिनरल सॉल्ट जब हम यूज करते हैं तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉब्लम है जनरली किसी को नहीं होती, तो इसीलिए हम सुबह वो पानी पीना बताते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे बॉडी में, और थोड़े दिन में फिर सारी चीजें ठीक हो जाती है क्योंकि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, सैलेड्स खा रहे होते हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है। सो आई थिंक अगर ऐसे रिजीम फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, वन एक थोड़ा सा चैलेंज एक ये लग रहा है कि मॉर्निंग में जो फास्टिंग शुगर रहती है वो अराउंड 110 105 114 ऐसे फ्लक्चुएट होती है, जबकि बेसिकली मेरी जो पीपी है या बिफोर लंच जैसे 103 है तो 110 आती है आफ्टर लंच 2 आवर्स, तो बट ये जो सर स्टार्टिंग लाइक जो मॉर्निंग का फास्टिंग लेवल है उसको कंट्रोल करने में मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, और जनरली एक्चुअली सर मेरे को ये जो भी ये डायबिटिक का हुआ था ये 6-10 महीने पहले हुआ था, बट इसमें मेरे को जो डाइटिशियन है उन्होंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सजेस्ट करे थे, बट उसमें जब मेरे को मेटफॉर्मिन 1000 mg बताई गई सो उस टाइम पे मेरी जो फास्टिंग आती थी 85-90 आती थी, और फिर 6 महीने बाद मेरा जो HbA1c 5.3 हो गया, फिर वो 500 mg कर दी, उसके 500 mg के 3 महीने बाद अब मैं उसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लाइक डिफिकल्ट हो रहा था, और फर्स्ट टाइम मैंने मेरे लाइफ में मतलब देखा कि मेरा 150 अबव आया पीपी, उसके बाद से मैंने डायबेक्सी यूज करना चालू किया, तो सर ये अचानक से मेरी बॉडी उस चीज को रेजिस्टेंस होने लग गई, ये नहीं नहीं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला कॉन्सेप्ट है ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है डायबिटीज के लिए, आपको ग्लाइसेमिक लोड तो कैलकुलेट करना है, और अभी अगर मान लीजिए कम ग्लाइसेमिक लोड करके पीपी तो ठीक है, फास्टिंग ठीक नहीं है, तो उसमें पहला स्टेप तो हम ये करते हैं कि ये रिवर्सॉल जो टेबलेट है इसको नाइट में एक शुरू कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली इससे ठीक हो जाएगा,
और अगर इससे ठीक नहीं होगा तो फिर एक बार डॉक्टर से डिस्कस करके, जो आप मेटफॉर्मिन वगैरह ले रहे थे एक्सटेंडेड रिलीज 500 mg वगैरह जो, तो वो आप एक रिस्टार्ट कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से आपकी एज के हिसाब से रिवर्सॉल से अभी काम चल जाना चाहिए, वो एक बार करेंगे तो पता चलेगा उसका क्या इन्फ्लुएंस है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। तपस जी, तपस कुमार जी। सर जी, सर बोलिए। सर मैं I am continuing diabetes attacks since last 1 year. Yes sir. And my weight reduced from 93 to 74. Okay, that's good. मेरा जो diabetes का जो ये था reading था वो भी normal है and जो glycemic जो HbA1c वो 5.2 है लास्ट 6 months से, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो प्रॉब्लम अभी है, आई एम प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। आई एम टेकिंग वो जो ये होता है हस्क पाउडर होता है, हाँ सीलियम हस्क, क्लीमा डाइट लेता हूँ, बट द सॉल्यूशन इज नॉट सो गुड। डायबिटीज कब से है आपको? 2004 से, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए ना। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जब लंबे समय से डायबिटीज रहती है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, और नर्व डैमेज होने के कारण जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो इंटेस्टाइन में होने चाहिए वो स्लो हो जाते हैं, और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है। तो अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट स्लो है, तो इस केस में ये एक बार आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो कुछ ड्रग्स वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करे, नहीं तो हम डाइट का थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं, हल्का सेमी लिक्विड टाइप का डाइट अगर हम रखेंगे तो हो सकता है उसका मूवमेंट इजी हो जाएगा। सर आई एम फॉलोइंग योर डाइट चार्ट, तो रॉयल सलाद, डायबिक्सी रोटी 2 and 2, लंच में और डिनर में दो दो रोटी लेता हूँ, वेजिटेबल लेता हूँ, और ब्रेकफास्ट में रॉयल सलाद लेता हूँ, तो ये सब लेता हूँ, तो पानी भी पीता हूँ 1 liter, मगर वो मिनरल सॉल्ट नहीं लेता, बेकिंग सोडा नहीं लेता, जस्ट 1 liter पानी पीता हूँ सुबह मॉर्निंग। एक बार करके देखिए ये मिनरल सॉल्ट वाला ना, सुबह करके देखिए, हो सकता है उससे सुबह पेट क्लीन हो जाए। एक बार करके देखिए कुछ दिन, हल्का सा पानी का टेम्परेचर बढ़ा लीजिएगा, वार्म कर लीजिएगा उसको, और ये मिनरल सॉल्ट ये कुछ दिन ट्राई कीजिए, देखिए हाउ इट वर्क्स। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट ये पुणे लिखा हुआ आ रहा है यार ये इस पे स्क्रीन पे। जी बोलिए सर। जी बोलिए। 37 है, पुणे से हूँ जी। पिछले महीने भर से मेरा शुगर में टेस्ट करो, मेरे मम्मी को डायबिटीज है जी। तो जस्ट कैजुअली मैंने चेक कर लिया था तो मेरा 110 फास्टिंग शुगर आया। अच्छा। और आफ्टर मील 165 आया जी। तो अभी वही रेंज में आ रहा है, मतलब वो मैंने काफी बार चेक किया, मतलब ये मंथ में 5-6 बार चेक किया तो 100 क्रॉस ही आ रहा है फास्टिंग का। ओके। तो क्या ये डायबिटिक पिया है या प्री डायबिटिक है? हाँ नहीं, 100 से ऊपर तो आप डायबिटिक समझिए इसको। तो फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए, डाइट फॉलो करना है? हाँ, ग्लाइसेमिक लोड फॉलो करो, रिवर्सॉल टैबलेट लो आप, ये आटा डायबिक्सी आटा यूज करो, और फास्टिंग सबसे पहले ठीक करने का है। पीपी तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि आप आपका अभी नया नया केस है, लेकिन आपका ये फास्टिंग नीचे जाने में रिवर्सॉल टैबलेट आपको हेल्प कर सकता है। इसको शुरू करो, धीरे धीरे पैनक्रियाज की कैपेसिटी बढ़ेगी। आई थिंक आपका फर्स्ट फेज इंसुलिन रिस्पॉन्स जो है वो स्लो है अभी, तो वो ठीक हो जाएगा, तो आई थिंक जल्दी रिकवर हो जाएगा आपका पैनक्रियाज। तो फिर ये टैबलेट हमेशा मुझे आगे भी लेनी पड़ेगी या फिर नहीं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है अभी, पर अभी 6 महीना तो कम से कम आप लो इसको। 6 months? हाँ 6 months अभी लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। और डाइट मुझे वैसे ही अभी मीठा बिल्कुल बंद कर देना है सब टोटल? ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे। 25 से नीचे जो आपने जो बताया अभी उसके हिसाब से मिल। हाँ वैसा फॉलो करेंगे तो उससे फायदा हो। ठीक है चलेगा। ओके थैंक यू। थैंक यू। समीना शेख। जी
जी बोलिए प्रीति। वेरी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलूंगी कि आपने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किए इसकी वजह से बहुत जानकारी मिली है। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम पे भी आपसे बात की थी, अभी मैं ज्यादा मतलब बोल नहीं पाई थी। एक्चुअली आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और आपसे मुझे बहुत पता चला, मतलब आपकी वीडियोज देखकर सारे मैंने वीडियोज देखे आपके जितने भी यूट्यूब के अंदर थे मैंने सारे देखे, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, सबके साथ में जो मतलब डायबिटीज पेशेंट है यानी, तो उनको मैंने शेयर किया, मैंने बताया और मैं आगे भी बताती रहती हूँ कि ये आप देखो देखो मस्त है, आपको आपको इससे पता चलेगा। मैंने मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आपने बहुत इजीली आपने ये डायबिटीज को समझाया है कि मतलब कि क्या डायबिटीज है, समझने में बहुत आपने मतलब हेल्प की है, तो बस मैं आपको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी भी डायबिटीज जो है अभी पता चलिए मुझे 6 महीने हुए हैं तो रिवर्स हो जाए, मेरे भाई को है, मेरे दोनों भाइयों को है, मेरे मम्मी डैडी को भी था, मतलब मेरे खानदान में सभी को है ज्यादातर ये, तो बस मैं ये कहती हूँ। और अभी मेरा जो है अभी मेरा मसला जो है ये मुझे थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम आ रही है, मतलब लीवर में मेरा जो SGPTO लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई आ रहा है और मैं ग्लाइसेमिक लोड को मतलब भी चेक करती हूँ। मैंने भी आपका डायबिटीज जो आटा है डायबिटीज का वो भी मैंने मंगवाया है, तो काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है सर और थैंक यू। तो बस ये भी ये जो SGPT है वो मेरा क्यों हाई रेस पे आया है, सबसे पहले आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरे हाथों में स्वेलिंग जैसी रहती है, तो इसके बारे में थोड़ी सा हेल्प कर दीजिए। जी नॉर्मली जब लीवर को आराम देना होता है तो अनकुक्ड डाइट, वेजिटेबल डाइट, जूस, वेजिटेबल जूसेस, इस टाइप की डाइट बड़ा हेल्प करती है। तो लीवर को आराम देने के लिए आप दोपहर का जो 12 बजे तक का जो भी मील है आपका वो लिक्विड के रूप में लें, वेजिटेबल जूसेस वगैरह लें, फ्रूट जूस की बजाय वेजिटेबल जूसेस लेंगे तो ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा और लीवर को क्लीनिंग करने में हेल्प मिलेगा। सो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, अनकुक्ड डाइट टिल द लंच टाइम तक जो है आपका, तो वो लीवर को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। और जो ये एंटी फ्लेम वगैरह टेबलेट है ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो ये डाइट के पैटर्न में दो चीजें ऐड कर लेंगे तो इससे फायदा होना चाहिए आपका। अच्छा, और मेरा एक्चुअली जो फैटी लीवर है ना वो एकदम मतलब ग्रेड 3 से भी पास हो गई, फैटी लीवर बहुत ज्यादा है ये, मतलब 3 महीने पहले की 4 महीने पहले की। अभी एक बार डाइट का पैटर्न फॉलो करेंगे और 2-3 महीने बाद दोबारा एक बार लीवर अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा तो उससे पता लग जाएगा कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, तो उसके अलावा और जैसे कि और कौन सी टैबलेट ले सकती हूं डायबिटीज के लिए, मतलब जो मुझे भी इससे फायदा दे। देखिए रिवर्सॉल तो आपको ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करेगी और जो ये एंटी फ्लेम है ये इन्फ्लेमेशन कम करेगी, जो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है। डाइट आप थोड़ा सा वेजिटेबल बेस कर लेंगे। अच्छा, और HbA1c मेरा 6 जब मैंने जब डायग्नोस किया था तो तब मुझे 6.5 आया था, अभी जो मैंने लास्ट अभी करवाया है जो तो उसमें 6.1 आ गया। हाँ, तो इसको भी नीचे लेके आइए, 5.5 लेके आइए इसको भी। जी जी ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से फायदा हो जाएगा। एक ही टेबलेट लेनी, मुझे रिवर्सॉल लेनी है बस, रिवर्सॉल और एंटी फ्लेम दो टेबलेट, एंटी फ्लेम दोनों लेनी। हाँ, दोनों रात को आप ले लीजिए। इसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह करवानी है मुझे? और टेस्ट तो जैसे लीवर का इशू है ना तो पहले तो हम लीवर पे भी फोकस करेंगे और HbA1c पे, तो इन दो टाइप के टेस्ट आप कर लीजिएगा तो इससे पता लग जाएगा। अच्छा, तो खाली मतलब मुझे 12 बजे खाली जूसेस लेने हैं? हाँ, वेजिटेबल के जूसेस, वेजिटेबल के जूसेस। और सूप वगैरह तो मैं मतलब ले सकती हूँ? कोई सूप वगैरह रात को लेने हैं, दिन में नहीं लेने, सुबह आपको अनकुक्ड ही लेना है वेजिटेबल जूसेस। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुखोपाध्याय जी। हेलो, हेलो जी सर, बोलिए। सर मृगंक मुखोपाध्याय जी। सर हाँ बोलिए सर, आपका तो वीडियो सारा देख के जितना नॉलेज किया उसमें सर डायबिटीज आटा तो यूज कर रहे हैं जी काफी दिन से, शुगर भी एक बार मंगाए थे लेकिन सर वो डंडा लगने के चल रहे वो जम गया था। बाद में तो मैजिक लिप बोल के एक आता है उन लोग को भी सेम टाइप के एक शुगर आता है वही ले रहे हैं। अभी सर हमारा जो शुगर है, शुगर 110 से 115 के बीच में, यह मैक्सिमम 20 आता है, 120 तक आता है।
पीपी मेजर नहीं किए हैं, हम ऑफिस टाइम में रहते हैं इसलिए पीपी का मैं मेजरमेंट नहीं करता है, फास्टिंग मेजरमेंट करता हूँ। तो सर अभी कुछ तरह प्रोग्राम मेरा शरीर होता था वो सब बंद हो गया है, तो अभी सर जो कॉन्स्पेंसी है उसका जरा प्रॉब्लम है, तो आपको मिनरल सॉइल भी हम मंगाए थे वो भी खा रहे हैं अभी, लेकिन उतना में नहीं आ रहा है, हम कभी कभी वो इस सब गुण का भक्षी ले लेते हैं। सर हम इस महीना में आपका रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हैं, एक बार आपसे आपका कस्टमर केयर से हमारा बात भी हुआ है। जी जी, अभी आप रिवर्टी ज्वाइन कीजिए, फिर उसमें तो आपके रेगुलर कंसल्टेशन होती रहेगी, तो जो इश्यूज हैं उनको हम हैंडल करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे हम आगे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सुनील जी, सुनील धृत लहरी जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजेश सिन्हा जी का ले लेगा क्वेश्चन। हाँ राजेश सिन्हा जी प्लीज बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। इनकी भी आवाज नेक्स्ट आ रही है, आवाज आ रही है क्या? हाँ राजेश जी, आ गई आपकी आवाज, बुलंद है आपकी आवाज, बोलिए जी। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश सिन्हा, रांची झारखंड से। जी सर, जी जी सर, ये 28 जुलाई को मेरा शुगर 300 चला गया था। अच्छा, उसके बाद 10-15 दिन हम अपना एक्सरसाइज किए, मॉर्निंग वॉक किया, खाने पे कंट्रोल किया आपके वीडियो देखने के बाद जी, तो मेरा शुगर आ गया 102। अच्छा, वेरी गुड। और अभी जो है हर 2-4 दिन पर करवा लेते हैं बगल में जी, तो वो रैंडमली तो मेरा 110, 118, 130 ऐसे के बीच में फ्लक्चुएट करता है। और खाने में सर मॉर्निंग में हम लौकी का जूस लेते हैं, ठीक है, शुरुआत में, और फिर अंकुरी चना खाते हैं, मूंग खाते हैं। ओके, उसमें थोड़ा कम पका हुआ केला डाल करके वो खाते हैं, और सेब खाते हैं, और उसके बाद फिर सर 12-1.5 बजे के आसपास जो खाना खाते हैं वो 2 रोटी और थोड़ा सा खिला खिला चावल जो आप बताए थे, और वो घी मिला के सब्जी मिला के खाते हैं, और छाछ पीते हैं। और शाम में जनरली कोई भी खा लिया, कभी वो वेजिटेबल जूस, गाजर, चुकंदर, ये सब मिला करके जूस पी लेते हैं, सो जाते हैं। जी जी, और रोजाना 5000 स्टेप चल लेते हैं छत के ऊपर में जी। तो अभी सर HbA1c हमने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन इधर कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रही है वो कि सर जब हम वॉक करते हैं तो सर मेरे पीठ के बैक साइड में हल्का हल्का जलन होता है, और फिर कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है। तो ये 2-4 दिन पहले हुआ था, लेकिन 1-2 दिन से देख रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन ये अक्सर हाँ नहीं होता है, लेकिन आगे बीच में अभी हो रहा है, आ रहा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? और कल हम सर करवाएंगे सर HbA1c, पहली बार कभी करवाया नहीं। अच्छा, तो मेरा लाइफ स्टाइल ठीक चल रहा है, ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, डाइट एक्चुअली मैं पैसे डाइट अभी सर चेंज करने की जरूरत है, डाइट ठीक नहीं है रिवर्सल के हिसाब से। जी जी, तो ये स्प्राउट्स और ये फ्रूट्स जो हैं ये सब रिवर्सल की डाइट में नहीं चलते। जी जी हाँ, तो या तो आप रिवर्टी ज्वाइन कर ले, नहीं तो आप ग्लाइसेमिक लोड वगैरह कैलकुलेट करें, और उससे आपको फायदा होगा। आप रिवर्टीज कर लेंगे तो ठीक रहेगा, आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज भी है, पर ये कुछ आपकी डाइट में गड़बड़ी है अभी जी। और ये जो पेन वगैरह है ये कहीं नर्व से रिलेटेड है या क्या है, ये तो थोड़ा सा डायग्नोसिस के बाद में पता चलेगा क्यों है ये। तो अभी डाइट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्प्राउट्स वगैरह नहीं खाते हम लोग डायबिटीज रिवर्सल। जी जी, तो मॉर्निंग में सर क्या लेना चाहिए ऐसे कुछ बताना पड़ेगा। हाँ एक बार नहीं ना, ये तो आप रिवर्टी ज्वाइन कर ले, नहीं तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, जो डाइटिशियंस हैं वो आपसे बातचीत करके एक्सप्लेन कर देंगे आपको। जी 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 जी, ऐसे सर नेक्स्ट ज्योति शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन था, मेरे को ना लास्ट ईयर मेरी ना सर्जरी हुई है लेग्स की, तो सर मेरी शुगर आई है। हाँ
अभी लास्ट टाइम सर मैंने HV1 कराया था, 8.5 आया था मेरा जी। तो सर मैं शुगर की टेबलेट भी खा रही हूँ, शुगर कंट्रोल भी कर रही हूँ, पर सर मेरी फ्लक्चुएट होती रहती है शुगर ना बार बार। तो डाइट वाइट कुछ फॉलो किया है? डायबेक्सी आटा वगैरह यूज कर रहे हैं अभी कुछ? सर अभी स्टार्ट ही करूंगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किया है मैंने ना, वीडियो से देखती रहती हूँ सर मैं आपकी ना। ओके, तो अभी मैडम पहले शुरू करें क्योंकि सबसे पहले तो हम बेसिक चीजें शुरू करेंगे कि ग्लाइसेमिक लोड कम करें, 25 से नीचे 4 मील हम लें, जो हम एपिसोड ऑफ ईटिंग कह रहे हैं, तो उन सब चीजों को पहले बेसिक फॉलो करते फिर उसके बाद देखते, ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली फिर आगे देखेंगे। सर जैसे मैं वेट लूज करना चाहती हूँ, मेरा ना ओवर वेट है थोड़ा, तो सर मेरा जैसे एक दो दिन तो फास्टिंग हो जाती है ठीक, फिर फ्लक्चुएट हो जाता है, वेट लूज नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा ना, क्योंकि जो मैं टैबलेट खा रही हूँ मेरी ना बॉडी सफरिंग होती है। फिर टैबलेट शुरू करूँ अभी थोड़ा सा ना, क्योंकि आपका हिस्ट्री थोड़ा सा लेना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तभी अप्रोप्रिएट गाइड दी जा सकती है। ओके सर, ठीक है, हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शुड वी कंटिन्यू फॉर क्वेश्चन आंसर? इट्स 5:30। हां, एक दो और ले लेते हैं, ये एक रिक्वेस्ट आई हुई थी। अच्छा, किनका? हां फिजा जी, ये इनसे नेक्स्ट, तो ये दो ले लेते हैं हम। अभी फिजा का होते हैं, नेक्स्ट लास्ट दो होते हैं क्वेश्चन। हाँ, फिजा मैडम बोलिए। फिजा मैडम बोलिए। मैं क्या करूँ? शिवाली जी बोलिए प्लीज, मैग्नेटिक शिवाली। हाय मैम एंड हाय सर। हाय मैम, आपका नाम बड़ा अच्छा लगा हमें, मैग्नेटिक, दैट्स फैंटास्टिक। हां, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू फॉर योर ऑनेस्टी एंड योर डिसिप्लिन एज वेल एज योर सिंपलिसिटी। सो आई गॉन थ्रू विद योर वीडियोस एंड आई रियली अ बिग फैन। एक्चुअली आई एम आल्सो लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो। सो अभी राइट नाउ एक्चुअली आई एम जस्ट यू नो सिटिंग एट होम एज अ वर्क एज अ बेबी सिटर। सो आई हैव अ लाइक 2 इयर्स ओल्ड डॉटर। So I just started to go through the online patient as diabetes as well as a physio and counseling patient. So मुझे आपकी मैं videos मैं इधर gone through कर रही थी तो आपकी देखी है, really I really really admired you, मुझे बहुत अच्छा लगा, and the simple words में जैसे आप बताते हैं it's really amazing. तो मुझे as a healthcare professional I just want to go through कि भाई मेरे को, क्योंकि I just very much interest in diabetes as well जो gestational diabetes एज वेल एज ये किड्स की डायबिटीज जो होती है, चिल्ड्रन डायबिटीज, इनमें ज्यादा मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है कि मैं इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करूँ और पेशेंट्स को अच्छे से देखूँ। तो मैं अभी जैसे आपने बताया था कि हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हम थोड़ा बहुत अच्छे से और डिस्कस करते हैं, तो कुछ मतलब वही मैं जानना चाहती थी कि कुछ ऐसा है कि आई कैन बी अटैच विद द डायबिटीज। शिवाली जी कहाँ रहते हैं आप? सर मैं दिल्ली। अच्छा, दिल्ली तो आप नजदीकी है हमसे, तो एक बार ना आपसे बेसिकली आई एम सर लिविंग इन गाजियाबाद, मतलब दिल्ली से आई एम नाउ शिफ्टेड इन गाजियाबाद। ठीक है, दैट्स फाइन। तो आपको ना हम ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग करके आप गाजियाबाद में अपना एक सेंटर खोल सकते हैं, विल हेल्प यू विद दैट। तो डायबिटीज रिवर्सल का आप अपना एक सेंटर खोल सकते हैं उसमें। सो जो ट्रेनिंग का पार्ट है, ये जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है 3 महीने का, अभी दिसंबर में इसकी क्लासेस शुरू होंगी, इसकी नए जो बैच है उसका, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। सो वी ट्रेन यू एंड वी विल हेल्प यू कि आप कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं आगे करियर को। ओके ओके, क्योंकि एक्चुअली मैंने सर डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स कर रखा है ऑलरेडी सीताराम भाटिया से। जी जी, और बस मैं अभी इसको स्टार्ट कर रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे डायबिटीज बहुत अच्छा लगा एंड जो रिजल्ट मैं इनके देखती हूँ एंड देन द एक्सप्लेनेशन व्हिच यू ऑलरेडी गिवन टू इन योर वीडियोस एंड ऑल, तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अटैच भी होना चाहती हूँ। मुझे लगता है यहाँ से ज्यादा मुझे श्योरिटी मिलेगी एक पेशेंट को गाइड करने के लिए, और अपना ऑनलाइन भी, क्योंकि मेरे काफी पेशेंट्स ऑनलाइन भी रहते हैं तो उनको ऑनलाइन भी देखना चाहती हूँ, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन थे आपसे। अगर मुझे कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल सकता है या फिर मेरे को कुछ बॉक्स में कुछ आप भेज सकते हैं, लाइक कि हाँ कब स्टार्ट होगा एंड ऑल, मतलब एनी फर्दर नॉलेज की क्या है क्या नहीं है, कैसे प्रोग्राम है। आप मैडम हमारे साथ भी काम कर सकती हैं एज ए कंसल्टेंट,
तो एक बार आपसे बातचीत कर लेंगे तो आप हमारे जो पेशेंट्स हैं उनसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि आप उनको कंसल्टेंसी दे, सो वी कैन टॉक अबाउट इट। तो आप अभी हमारे फोन नंबर पे बात कर लीजिएगा और हमारे ऑफिस से भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर लेंगे। श्योर सर, सो हाउ कैन आई जस्ट सेंड माई नंबर टू योर चैट सर, हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू? मैडम हम आपको कॉल कर लेंगे, हमारे पास आपका नंबर है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर माई कनेक्टिंग द कॉल मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हम लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैडम बोलिए आपका नेक्स्ट है इकरा। कैसे हो राज? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम। सर जी, आपका आटा तो हम 6 महीना पहले देखे, तो 3 महीना से इस्तेमाल कर रहे हैं अगस्त से। तो मैं इससे पहले मेरा शुगर बहुत ज्यादा था जी, जिस वक्त आपका आटा नहीं खाता तो उससे उस वक्त मेरा 300 के आसपास रहता था। अब जो है जब से डायबिटीज चैनल से जुड़े हैं तब से मेरा शुगर जो है फास्टिंग, अभी मेटफॉर्मिन लेता था सर सुबह 100 और नहीं 1000 का और रात में 1000 का। अभी 15 दिन से मेरा रात में 500 चल रहा और सुबह 1000 का चल रहा। और आज जो फास्टिंग रहा सर ग्लूकोमीटर से 122 और पीपी रहा 134। वेरी गुड सर। मेरा थायराइड भी है तो मैं 25 mg का दवा चल रहा, तो सर ये शुगर के साथ साथ थायराइड कैसे दवा छूटेगी? शुगर का दवा तो कम हो रहा, थायराइड की दवा? पहले मैडम डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, हो सकता है बाकी चीजें ठीक होने के बाद में आपका थायराइड भी ठीक होने लगे। इसके लिए एक टैबलेट आती है लिपोक्विक बुलेट करके, आप अमेजोन से ले सकते हैं लिपोक्विक बुलेट, तो वो एक अर्ली मॉर्निंग एक टैबलेट लेके लेंगे तो वो थायराइड को हेल्प करने में सपोर्ट करता है वो लिपोक्विक बुलेट। ये टैबलेट आप सुबह शुरू कर दीजिए, ये हेल्प कर देगा सर। ये फास्टिंग और पीपी का तो हमको पता है कि इतना होना चाहिए, मगर डिनर लंच से पहले और लंच के बाद कितना होना चाहिए शुगर? शुगर मैडम हमारा इसी रेंज में होना चाहिए कि जो हम 80-120 वाला जो करते हैं ना फिगर जी, 80-85-90 के बीच में खाने से पहले हो, 120 के नीचे वो खाने के बाद में हो, अगर इस रेंज में है तो ठीक चलता है। और ये डिनर में भी उसी रेंज में? डिनर में भी हम वही रेंज लेंगे कि डिनर करने से पहले वो 90 के आसपास हो, 85 हो, और डिनर करने के बाद 120 से नीचे हो 2 घंटे बाद, तो ये आइडियल फिगर है पूरे दिन में जी। कौन सा दवा बताया सर थायराइड के, एक बार और बता दें? लिपोक्विक, LIPO लिपोक्विक, QUIC क्विक बुलेट, लिपोक्विक बुलेट। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन टुडे। नेक्स्ट सैटरडे फिर दोबारा मिलेंगे और फिर और कुछ नई चीजें जानेंगे। थैंक यू।